क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है रेखा इतना पर लंब, अच्छा इस रेखा पर लंब और एक्स अक्ष पर तीन अंतःखंड काटने वाली रेखा का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो उस रेखा का ढाल निकालना होगा। चलिए तो रेखा का पहले इस रेखा का ढाल निकालेंगे तो दूसरी वाली रेखा का ढाल भी हो जाएगा। तो यहाँ इस रेखा का जो समीकरण है, रेखा का जो समीकरण है दिया है एक्स माइनस सेवन वाई प्लस फाइव बराबर जीरो। सेवन वाई को उधर ले जाता है तो सेवन वाई बराबर एक्स प्लस फाइव, इसको भाग में ले जाएंगे सेवन को तो वन बाई सेवन एक्स और प्लस फाइव बाई सेवन। तो इस रेखा का जो ढाल होगा, रेखा का ढाल एक बटा सात हो जाएगा। तो लिखेंगे रेखा एक्स माइनस सात वाई प्लस पांच बराबर जीरो पर लंब रेखा का समीकरण, लंब रेखा का ढाल कैसे निकलेगा। तो हमें पता है कि अगर रेखाएं एक दूसरे पर लंब हो तो उनके ढाल का गुणनफल माइनस वन होता है। तो मैं अगर इसे एम वन मान लूं और दूसरे वाले को एम टू मान लूं, दूसरे रेखा का जो ढाल है उसे मैं एम टू मान लूं, तो लिख सकता हूं एम वन इंटू एम टू बराबर में माइनस वन। तो ये एक बट्टा सात है और गुना में एम टू बराबर में माइनस वन, ये जाके उधर गुना करेगा तो एम टू बराबर में आ जाएगा माइनस का सात। एम टू किसके बराबर हो जाएगा, माइनस के सात के बराबर, यानी रेखा का ढाल आपका आ गया, दूसरी वाली रेखा का ढाल यहां से हमारा निकल गया। तो रेखा का समीकरण जिसका वाई एक्स अक्ष पर अंतःखंड एक्स अक्ष पर अंतःखंड कितना दिया है, तो एक्स अक्ष पर अंतःखंड तीन है। एक्स अक्ष पे अंतःखंड कितना है, तीन है। तो उसका समीकरण क्या, तो हो जाएगा यहां से, आप लोग जानते हो ना, मैंने बता रखा है वाई बराबर में एम एक्स माइनस डी, ये आपका रूल होता है। एक्स अक्ष पे अंतःखंड यहाँ डी है और एम क्या है, रेखा का ढाल है, यानी वाई बराबर में माइनस सात गुणा में एक्स माइनस डी का मान कितना है, तीन। तो y बराबर में माइनस का सात एक्स और प्लस का इक्कीस, y माइनस का सात एक्स जो है इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा और बराबर में इक्कीस। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर